वीडियो को कर देते हैं जिस वक्त आ गया था कि अजान देने के लिए मुझे खुद टाइम मुकर्रर करना पड़ा कि इस दिन ये अजान मेरी है। मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि मैं जना कर रहा था ये वो अस्तग़फिरुल्लाह। जो से पहले एक लड़का था वो बताऊं, वो अल्लाह का बंदा था। How do I come back? भाई मैं बहुत ही मजेदार एपिसोड है। मतलब मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह या कोई दिखावा या कोई भी फेम के लिए आया, कुछ भी नहीं किया। अपने आप को एक जो अपना मेरा जो लाइफ की एक स्टोरी गुजरी है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बस एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि अल्लाह पाक जब अपनी रहमत करता है तो बेशक अल्लाह पाक की रहमत। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन पे था, तो ये 3 साल पहले मेरे पुराने चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो, मैंने अभी निकाल के आपके सामने ओपन कर ली हुई है। ठीक है, तो ये यूट्यूब पे मेरे पुराने चैनल पे जाके देख भी सकते हो, ये 3 साल शायद पुरानी वीडियो है। तो आपको इससे अंदाजा हो सकता है कि मैं आपको जो भी बात करने वाला हूँ वो सच करने वाला, क्योंकि ये वीडियो 3 साल पुरानी है। मैं ये 3 साल पहले प्लानिंग के साथ नहीं आया कि मैं आगे 3 साल बाद एक वीडियो बनाऊंगा ऐसी, या मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देख रहे हो बस आप ये वीडियो को शेयर कर लेना, और बस आप भी मेरे लिए दुआ करना और अपने लिए भी दुआ करना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो टॉपिक है वो है कि मैं आपको बता ही दिया कि टाइटल भी आपने देख लिया होगा कि मैं कैसे दिन पे वापस। स्टोरी ये है कि मैं जब थिंक मैं था 7th क्लास में था, जाता था ट्यूशन। ठीक है, ट्यूशन मैं इमाम साहब से, जो हमारे इसी मस्जिद की जो मस्जिद देख रहे हो आप, इसी मस्जिद के जो इमाम साहब थे वहाँ उन्होंने मैंने ना कुरान पाक पढ़ते थे, हर बच्चा पढ़ता है, और साथ साथ वो मुझे अजान सिखा रहे थे। मैंने कुरान पाक खत्म कर लिया, मुझे वो कहते कि आप अजान सीखो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ये इतना सा लफ्ज नहीं है। मतलब इसको प्रॉपर से अदा करना, माइक में अच्छी आवाज में बोलना बहुत बड़ी वो एक इस पे काम किया जाता है। ठीक है, अपनी आवाज को बेहतर करना और एक जबर जेर के डॉट को भी क्लियर से पढ़ना, तो मैं उनसे ये सीख रहा था। ठीक है, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ना असर के टाइम ना आपने लाजमी पहुंचना है। नाम साहब ने जब मुझे ये कहा ना कि आपने असर की अजान के टाइम लाजमी पहुंचना है, ठीक है, तो मुझे मैं ना समर वेकेशन चला रही थी, मैं ट्यूशन गया था जोहर के बाद, मुझे असर से पहले छुट्टी होगी। और अच्छा, ऊपर से अच्छी बात ये कि अजान अभी तक हुई नहीं थी, अजान होने में 20 मिनट बाकी थे, 20 मिनट बाकी थे, और जो मेरा ट्यूशन से मस्जिद का सफर था तकरीबन पैदल था, और 10 मिनट में मैं वहां मस्जिद में पहुंचना था। मैं 10 मिनट में वहां पहुंचा, पिछड़ा के 10 मिनट, 10 मिनट मैंने कार साहब का डोर नॉक किया, कोई भी नहीं आया। 10 मिनट लग गए होंगे मुझे कार साहब के डोर से मस्जिद की चाबियां लेते हुए। ठीक, मैं गया वहां पे, मैंने जाके अपना वजू किया सबसे पहले 2 मिनट में, बाद में 2-3 मिनट मुझे लग गए माइक को सेट करते, मस्जिद ओपन करते वगैरह। ठीक है, तो इमाम साहब नहीं आए, मैं अकेला ही था, मुझे उन्होंने कहा था कि जब चाबियां दी ना उन्होंने कहा जाओ जाके अजान दो। उनको ये एतमाद था कि ये लड़का बच्चा कर लेगा, लेकिन मुझे अपने आप पे एतबार नहीं था। तो इतना कंफ्यूज, हाथ पांव, आपको पता है जो अजान देते हुए एक हाथों पे एक मतलब मेरे ये जो बाल है ना, ये बाल हाथों के ये खड़े हो गए, मतलब पसीने आ रहे थे। मैंने जब अजान दी ना तो उस वक्त का मंजर मैं आपको नहीं दिखा सकता। ये जो मैंने वीडियो अजान की रिकॉर्ड की थी, ये तो मैं मुझे बहुत देर बाद जब मुझे 3-4 साल हो गए, तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर मैंने ये अजान दी थी, तब ये मैंने यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड की थी। ठीक है, उसके बाद तो फिर ना मैंने 2014 में शायद मैंने ना ये पहली अजान दी थी। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि असर की अजान मैंने दी थी, और मैं जब मस्जिद में अजान देने गया था तो मेरा बैग, ट्यूशन बैग भी मेरे साथ ही गया था। ठीक है, मैंने अजान दी, पहली अजान दी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से थी पहली अजान। अजान में मिस्टेक भी हो जाती है, मैं ना बहुत ही कंफ्यूज था, बहुत ही कंफ्यूज। जब सब ने आके देखा यार अजान किसने दी है, कोई आवाज नहीं है, जब सब ने देखा कि मैंने अजान दी है, सब ने बहुत तारीफ की थी मेरी उस वक्त। उसके बाद ये जो मस्जिद देख रहे हो ना, मैं अभी इसको वीडियो को प्ले करता हूँ थोड़ी सी। मस्जिद आप देख रहे हो, इस मस्जिद का मैंने 4 से 5 साल इंतजामिया रहा हूँ, मतलब काम किया, सफाई की, इसको वॉश करना, जो मेरे हफ्ते में 2 बार वॉश करते थे, यहाँ पे सुबह शाम हर वक्त मैनेजर रहना, बहुत अल्लाह पाक ने उस वक्त, वो मुझे दिन याद आते हैं, काश वो दिन मैं वापस ले ला सकता। तो ये मस्जिद की मैंने फुल क्लीनिंग रखनी, और आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह का घर सभी प्यारे होते हैं, लेकिन हमारी ये मस्जिद बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही प्यारी मस्जिद है हमारी,
फुल अच्छे वाली बिलवाली मैंने रिकॉर्ड करना, मतलब महफिलों का इंतजाम भी मैंने करना, कोई चीज़ वेब पर टूट गई हो वो भी जो हमारे यहाँ पे मेंबर होते हैं उनसे पैसे ले के मस्जिद के, और मैंने खुद ले के आता होता था, ठीक है। चार साल मैंने बात की, तो जो मेरा साथ में फिर मेरे ना एक दोस्त है उसका जिक्र करने वाला हूँ, एक मिनट इसको मैं स्टॉप कर लूँ। हाँ होगी, तो वो ना जा रहा था उम्रे पे, अच्छा वो जा रहा था उम्रे पे, मुझे लगा यार मेरा इससे कौन सी गलत, वो पहले मैं गया था अजान देने, बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत लोग बहुत गली के जो मोहल्ले के लड़के थे वो मुझे देख के ना उनको शौक पैदा हुआ कि हाँ यार इनको भी अजान देनी चाहिए, मुझे भी अजान देनी चाहिए, वो भी बहुत लोगों ने। फिर ऐसा वक्त था कि मस्जिद में कोई अजान नहीं देने आता था, जब मैं गया मेरे से पहले एक लड़का था, वो बताऊँ वो अल्लाह का बंदा था, वो यकीन वो ना मतलब दिमागी हालत पे ठीक नहीं था, उसको वो अल्लाह ही अल्लाह करता था, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कीजिएगा आप उसके लिए भी। तो वो ना उसकी आवाज़ भी थोड़ी तोतली सी, हज़रत बिलाल की आवाज़ का आपने बयान तो सुना ही होगा, मतलब वो मतलब अब नॉर्मल जैसे कह सकते हैं आप वैसा है, लेकिन ठीक है अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अल्लाह पाक ने उसको जो तौफीक दी, मेरे से पहले वो अजान देता होता था, जुमे के दिन नाते पढ़ता था, ठीक है। फिर ना मैंने क्या किया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके अजान दी अपनी, उसके बाद मैंने इस मस्जिद की सफाई करनी, हर चीज करनी, मोहल्लों वालों ने सब ने कहना मुझे तारीफ करनी, हालांकि मैं दिखावे के लिए नहीं, उस वक्त मुझे कोई ऐसा यार इतना छोटे बच्चे को क्या पता कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है। मैं उसके बाद मैंने गया, मैं जाके ना अजान दी, अजान दे के बाद में मैंने मस्जिद का इंतजामिया हुआ हर चीज़ की, गली मोहल्ले के बच्चे आ गए मेरे पास, मतलब वो हाँ कहते हमने भी अजान देनी है। ऐसा वक्त आ गया था कि अजान देने के लिए मुझे खुद टाइम मुकर्रर करना पड़ा कि इस दिन ये अजान मेरी है, मतलब वो अजान कोई और नहीं दे सकता था मेरे अलावा, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर कोई और देता था। और मेरी हमेशा से असर की अजान पक्की रही है, क्योंकि असर का टाइम जो मेरी पहली अजान थी वो भी असर थी, और असर को ही मैंने पक्का कर दिया था। उसके बाद मेरे फिर जब नहीं होती थी फिर मैं पांचों भी देता रहा हूँ, चार भी अजान इकट्ठे नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत रहमत की अपनी। और ये जो मस्जिद है ना यहाँ पर मैंने अजान दी थी, ठीक है, और ये अजान की वीडियो मैं प्ले करता हूँ, तो ये बाद में मैंने रिकॉर्ड किया, ये आप साथ साथ देख भी लेना, ठीक है। तो मैंने अजान दी अल्हम्दुलिल्लाह, तो बाद में ये रिकॉर्ड जो की हुई है। उसके बाद मेरा साथ वाला जा रहा था उम्रे पे, ये बात थी, मैं और बात ले आया अंदर, अच्छा वो जा रहा था, मैंने मेरे ना घर के कुछ भी जा रहे थे उम्रे पे, तो मैंने सुबह फजर का टाइम, फजर के बाद नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के ना मैं बैठा इसी कंप्यूटर पे, ये एलसीडी थी वो, ये अभी भी वही एलसीडी है, पीसी मैंने चेंज वगैरह किया, ठीक है। तो इसी एलसीडी पे मैंने नाल लगाई हुई थी, ठीक है, तो मैं रो रहा था, ठीक है, ये मैं अजान दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ही हूँ देख लीजिएगा, ये उसी मस्जिद में अजान दे रहा हूँ। तो मैं ना रो रहा था, तो मेरी वालदा भी साथ आके बैठ गई, वो भी रोने लगी, मदीने की नात थी बहुत ही प्यारी, तो मैं ना रो रहा था तो मेरी वालदा भी रोने लगी। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आप दोनों का इतना दिल है तो चले जाओ, मैंने अपने पापा को कहा था कि अगर मुझे ना अकेला भेज दें, लेकिन मैं उस बच्चा था तंग करता था, तो किसी ने जो रिलेटिव मेरे जा रहे थे उन्होंने कहा था कि नहीं हम इसको नहीं लेके जा सकते, ये हमें वहाँ पे तंग करेगा अकेला। तो फिर मेरी वालदा ने और मेरी बहन का बहुत बड़ा हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले मंथ मेरी बहन भी करके ही उम्रा, तो उस वक्त उसने कहा था मैं नहीं जाती, आप दोनों मेरी वालदा और मैं गए उम्रा करके माशाल्लाह, हम गए और जाके उम्रा किया माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उम्रे की वीडियो में यहाँ पर ये तो जान की देख ली ना आपने, अब मैं उम्रे की निकाल के दूँ, ये मेरी जी उम्रे की वीडियो, ठीक है, यहाँ पे सारी मैंने कोई मुकम्मल वीडियो नहीं है, जो मेरे पास कैमरा था ये मैं तवाफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने उम्रा कर लिया था, ये बाद में मैंने कैमरे के साथ वीडियो, उस वक्त ऐसी शक्ल थी मेरी, तो अल्लाह पाक ये बहुत खूबसूरत दिन था, मैं नहीं बोला आज तक, एक एक गली एक एक दुकान याद है मुझे। तो मैं गया, मुझे मेरा दोस्त गया, मेरे फिर ना घर वाले तैयार हो गए, सब हो गया, हम उम्रे पे चले गए, ठीक है, अल्लाह पाक ने उम्रा करवा दिया। अभी ये जो फाइनल चीज़ है वो अब आने वाली है, अब क्या आने वाली है, इसके बाद हुआ मैं उम्रा, अभी तो तक तो मैं दीन पे था, लेकिन अब जाके मैं हो गया था गुमराह, जब उम्रा करके वापस आया, दो माह गुजर गए, वैसे ही था जैसे मैं पहले था, नेक काम कर रहा था, अल्लाह की तरह अल्लाह पाक ने जिस तरह मुझे कहा था मैं उसी रास्ते पे चल रहा था, ठीक है। इसके बाद मैं ऐसा गुमराह हुआ कि तीन साल से ज्यादा मैं लौटा ही नहीं। 2017 में मैंने उम्रा किया था, अभी 2023 का दूसरे महीने में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो मुझे हदायत दोबारा मिली है वो मिली है मुझे
2022 में, ठीक है। मतलब गुमराह तो मैं हुआ था, मतलब गुमराह ऐसा नहीं हुआ था कि मैं उजना कर रहा था ये वो अस्तगफिरुल्लाह उज़बिल्लाह जो गलत काम हो, ऐसा गुमराह नहीं, अल्लाह पाक ने बचाया हमेशा से इस कामों से। ऐसा मतलब रमज़ान का जो गुमराह में भी मैंने रमज़ान का महीना मुकम्मल रोजे रखे हैं, मुकम्मल हर चीज़ की। रमज़ान तो मेरा फेवरेट महीना है, आई लव। तो मेरा जो ये वाला सीन है ना वो रमज़ान के साथ है, ठीक है। तो मैं ना रमज़ान में मेरे नाना बोल जब अल्लाह पाक जन नसीब करे तो उनके लिए भी दुआ करना, मेरे दादा अबू के लिए भी दुआ करना। ये जो पीसी है ये मेरे दादा अबू ने लेके दिया था, ठीक है। और मेरे नाना अबू ने जब मैं रमज़ान में ईदी मिलती थी ना, ये रमज़ान के सारे रोजे रख के सब बच्चों को, मेरे 30 के 30 पूरे होते थे, मेरे नाना अबू मुझे एक्स्ट्रा देते होते थे 500 रुपया। उन्होंने ना जितनी ईदी देनी उसमें एक्स्ट्रा देने, तो मेरे बाकी उन्होंने कहना कज़नों ने मैंने बहनों ने कि इसको क्यों एक्स्ट्रा देते हो आप, उन्होंने कहना कि ये इसने सारे रोजे रख के इसके बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब अच्छा वो दिन थे। आप उन दोनों के लिए दुआ करना, मैं नाना अबू दादा अबू के लिए बहुत ही अभी भी मुझे बहुत प्यार है, इमोशनल नहीं होना चाहता। मतलब ज़िंदगी में एक सुकून ही नहीं है जो आगे मैं लाइफ गुजारी ना, जो दो मैंने 2017 तक ये जहाँ तक मैंने उम्रा की है, अनबिलीवेबल लाइफ। मतलब कोई मुश्किल नहीं, इसके बाद जो मेरे पास मुश्किल आई हैं काफ़ी ज़्यादा जो मैंने फेस की हैं वो आई बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, अपने अभी सोचा कि यार मैं पहले कैसा था, अब मैं इतना डिप्रेशन में हुआ। मतलब बहुत ही मतलब केसेस मैंने, मेरे वाला साहब की जो मसला बना एक कोरोना के अंदर, तो उस पर बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटेड हुआ मैं। उसके बद और भी काफ़ी मुश्किल आई, बहुत ही बुरी हालत से गुजरा हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 से 3 माह हुए हैं, मतलब मैं वापस वही रूटीन पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी मुकम्मल वो लाइन पे आया नहीं हूँ, बस आने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर दुआ करेंगे, अल्लाह पाक मैं भी तो करता हूँ, आप भी करें कि अल्लाह पाक मुझे हदायत दे अभी भी, और इतनी हदायत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बराबर भी जैसे हमारे नबी ने कहा था उसी रास्ते पर हम चलें, ठीक है। अब 2022 में मैं जब आके अपने आप को कवर किया है तो अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वन ऑफ द बेस्ट, इसके बाद इससे अच्छा कोई है ही नहीं है, दीन और मेरा अल्लाह पाक की ज़ात। रहमत लिल आलमीन। जो बंदा ये 3 बार ही कह देता है ना, तो मेरे अल्लाह पाक की रहमत गवारा नहीं करती कि उस पर रहमत ना की जाए। अभी मैंने भी अपने वीडियो में बोला है, आप भी अब सुन रहे हो, अल्लाह पाक हम पे रहमत करेगा। हम मांगे तो सही, उससे क्या चाहिए हमें, हम मांगे। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की अगर आपके नज़रों में पता नहीं, लेकिन मेरे पास हर वो चीज़ है, यानी दीन की दुनिया में गुजार सकता हूँ, ठीक है। और अल्लाह पाक ये कहाँ से हाथ में आ गया मेरे, इससे मैंने वीडियो में अभी सेट किया बात, मैं दीन पे आ गया हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक न्यू चैनल भी ओपन किया है, वी आर मुस्लिम, इस वीडियो के साथ अटैच करूँगा ये, मैं इसी चैनल पे जिस पे ये वीडियोज़ हैं पुराने चैनल पे ही अपलोड करूँगा, इसलिए कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी पुरानी ऑडियंस है, मतलब 3000 के तकरीबन मेरे सब्सक्राइबर हैं तकरीबन, इसको बताना चाहता हूँ कि आज के बाद मैं आगे ब्लॉगिंग भी इस वीडियो पर जाएंगे ना, मेरी जहालियत का जो ज़माना है वो आप देख सकेंगे इस चैनल पर जाएंगे, ये नहीं इस वीडियो पर नहीं, इस चैनल पर जाएंगे ना, तो मेरी जो मेरा एक गलत टाइम गुजरा है, जो मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, वो आपको इस पे नजर आएगा। अगर आपके पास अभी आप 14 साल के हो, 12 साल के हो, छोटे बच्चे हो, उनके लिए स्पेशल है कि अपने आप को ज़ाया मत होना देना अगर आप मुस्लिम हो। अगर आप नए भी मुस्लिम, तो भाई हमें दावत, हम आपको दावत देते हैं। मतलब हर चीज़ अल्लाह पाक ने हर इंसान को, ये नहीं कि सही ग्राने में पैदा किया हो, हमें स्टडी करना चाहिए अपने आप को कि हम दुनिया में और आखिरत में क्या चीज़ लेके जाएंगे और क्या हम कर रहे हैं, क्या हम हैं। अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक माइंड दिया और हर इंसान का अपना ही एक माइंड होता है। अगर इस वीडियो से किसी को कुछ डाउट हुआ हो, मतलब कोई गलत मैंने बात कर दी हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो की यही कहानी है कि अब मैं आ गया हूँ अपने सीधे रास्ते पे। ऐसा ही मेरे वाले साहब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, तो उन्होंने मुझे हर चीज़ दी खुशी, उनके लिए भी दुआ करना। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको दीन और दुनिया की हर एक खुशी अता करे, और हमें दीन और दुनिया को अच्छे तरीके से
इन दोनों के लिए अच्छे तरीके से जो हमें चाहिए कि हम उस रास्ते पर रहें, वो रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपना भी ख्याल रखिएगा, मेरा भी ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।